है भाई, बहुत से हो खुलती खिड़कियाँ हैं और ये खुलते दरवाजे बन जाएंगे बहुत जल्दी। आज खिड़कियाँ हैं, कल को महाद्वार बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और नया टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, मुकेश छाबड़ा हैं, नवाज़ भाई हैं, उन लोगों ने मिल करके सपोर्ट किया है इसको और मैं बहुत खुश हूँ कि इनकी स्क्रीनिंग हो रही है और नया टैलेंट आगे आएगा, लोग इन्जॉय करेंगे, फ्रेश टैलेंट, फ्रेश थाट्स। जी ऑफकोर्स, एक जिन लोगों को मंच नहीं मिलता था, एक मंच है जहाँ पे आप चीज़ें लगा सकते हैं डेफिनेटली। बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है लोगों, अब ज़्यादातर टाइम फिल्म्स और टेलीविज़न के साथ साथ अब मोबाइल फ़ोन्स पे भी देने लगे हैं, टीवी पर भी इंटरनेट कनेक्ट हो गया है, स्मार्ट टीवी आ गए हैं और स्पेशली मोबाइल्स, तो आई थिंक बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है और अच्छा खूबसूरत चेंज है। ऐसी कई सारी चीज़ें जिनको मौका नहीं मिलता था, अब ज़्यादा प्लेटफॉर्म होने से ज़्यादा टैलेंट को मौका मिलता है परफॉर्म करने का और ज़्यादा चीज़ें, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो देख सकता है, ज़्यादा कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसको क्या देखना पसंद है ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होते हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप टीवी पे फिल्म पे बहुत लिमिटेड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास दिखाने का समय नहीं होता या वो नहीं दिखा सकते प्रैक्टिकल कारणों से, तो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पर चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। अभी मैं जल्दी कुछ ना कुछ अनाउंस करूँगा, अभी फाइनल स्टेजेस पे बात है, जैसे फाइनल होती है मैं डेफिनेटली अनाउंस करूँगा। कोई नहीं, ये भी हमारा ही टाइम है। चेंज स्वाभाविक है, चेंज बहुत स्वाभाविक है, चेंज आता है हर चीज़ों में और आना भी चाहिए, इसी वजह से, इसी कारण से आदमी की एंगेजमेंट्स नई फ्रेश होती रहती हैं, तो बहुत खूबसूरत चेंज है, वेरी नाइस, थैंक यू। खाली बस, खाली बस राघव यहाँ पे, अरे खाली बस ना राघव, राघव यहाँ पे सामने।
रागो यहाँ पे सर वेट वेट एक 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 फोटो कर लेते हैं सर यहाँ पे यहीं पे ठीक है यार किसी यहाँ पे ये त्रिकाल है त्रिकाल जैकी सर यहाँ पे सामने अरे बैकड्रॉप पे ले ले संकेत काली बस अरे मित्रा फोटोग्राफर खाली हो ना Works is the best company I know. They give me a lot of discount. Sir, center. Jackie, sir, you're here. आई थिंक यू नो मुकेश छावड़ा जी ने और आइनोक्स ने फ्यूचर वर्क्स ने और ये सारे जो कंपनीज़ हैं इन्होंने मिल के जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये बहुत अच्छा है वो सारे लोगों के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बिलीव करते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देश में इतना टैलेंट है लेकिन लोगों को मंच नहीं मिलता तो हम जैसे लोग हैं जिनके पास एक मंच है और हमें आगे आके यू नो लोगों को वो मंच देना चाहिए ताकि लोग अपना टैलेंट आगे दिखा सकें और बिकॉज जो फ्यूचर है वो इन बच्चों में ही है जो आगे जाके यू नो कंट्री का नाम परफॉर्मिंग आर्ट्स में आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्में मैं ऑफिस में भी बैठता हूँ कुछ इतनी अच्छी अच्छी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी कार्बिन तो वो आइडिया भी जो आए थे लोग लेकर मैं हिल गया था कि यार आप यू नो जनरली हॉलीवुड से ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि ऑक्सीजन होगा नहीं क्या होगा so it's platforms like these where you know you get opportunities and it's great and I'm very happy that Gautam ne Mukesh ne mujhe is layak samjha ki main yahan pe aake support kar paun web series of short film aap kaafi aa rahe hain ha ji is wajah se movies ka craze badha hai aur dekhiye kya hoga ki aap ye public hai ye sab janti hai theek hai aap bhi ho main bhi hu अब आप पब्लिक को डैश नहीं बना सकते सिंपल सी बात है तो वो आप अगर आप उनको उस वेब सीरीज़ में दो शॉर्ट फिल्म में दो थिएटर में दो फ़ोन पे दो आप उनको अच्छा कंटेंट दो वो आपको सराहेंगे आप उनको बकवास कंटेंट दो तो आपको जूते पड़ेंगे एज सिंपल एज दैट देखिए अगेन मैं ये कहूँगा वो चाहे हमारी फिल्म हो आपकी फिल्म हो किसी और की भी फिल्म हो जनता से क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट और आप जनता को आप उल्लू नहीं बना सकते बिकॉज आप इतना एक्सेस मिल चुका है इतनी चीज़ें दिख रही हैं और यू कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड आप अच्छा काम करो और सबसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की है ऑडियंस में कि
या तो उनको आप पहले से बोल दो कि देखो यार ये मज़ेदार फिल्म है, इसमें दिमाग मत लगाना। प्रॉब्लम कब होता है ना कि जब आप बोलते कुछ और हो, होता कुछ और है, तो ऑडियंस को बहुत गुस्सा समझ के यार मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, वो कल रिलीज़ हो रही है और उम्मीद बहुत एक्साइटेड हूँ। यू नो ये तापसी के साथ हमने एक फिल्म बनाई है, आलिया सेन जो इनकी डायरेक्टर है एंड मेरी बहन ने और मैंने मिलके ये बनाई है। सो उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए कल रिलीज़। हाँ जी, और म्यूज़िक को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग आए, फिल्म देखें और फिल्म को सराहें और हम होपफुली आप सब लोगों को सक्सेस पार्टी में बुलाएं। या यहाँ पे मित्रा खाली बस अरविंद थोड़ा पीछे, हाँ पीछे आ जा, बस घूम नीचे ले थोड़ा सा, रोल। जी आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। मुकेश हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग करता है। खिड़कियाँ उसका एक थिएटर फेस्ट है, ये उसने शॉर्ट फिल्म फेस्ट बनाया है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ऑल हिज शॉर्ट फिल्म्स। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें 1 hour 20 minutes की जरूरत, यू नो यू डोंट नीड 2 hours फॉर इट, यू डोंट नीड अ डेली सोप, लाइक यू डोंट नीड इयर्स टू कम्युनिकेट योर स्टोरी। समटाइम्स वी हैव स्टोरीज विच जस्ट हैव प्रॉब्ली द ड्यूरेशन ऑफ लाइक 30 minutes और 15 minutes। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज जिनको जिन स्टोरीज को जितना वक्त चाहिए उतनी ज़रूरत है। It's great, it's been happening since a very long time. Short films are a part of the industry and we've been making a lot of them since a lot of years. And now, abhi bahut zyada inhe importance bhi mil rahi hai because it's like fat se dekh li na. So it's a great, I think for anybody who's ventured out new or anybody who wants to try something interesting and you know, wants to test an audience space, who wants to show his talent in a different avatar, like agar mujhe kuch ekdam hi radical karna ho to main ek short film karke dekhungi uska kya response aayega, and then on basis on those responses I will take further steps. ji means is wajah se jo most zyada aa rahe hain ka jo talent zyada hai iske piche iska reason mante hain digital platform. I think it's great. I think digital is a great platform for a lot of new talent. ek bahut huge section of audience hai hamara जो ना टेलीविजन को कैटर करता है और जो ना फिल्म्स को कैटर करता है, एंड दैट ऑडियंस इज गोइंग टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग एंड विच आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म यू आर लिमिटलेस एंड देर इज नो सेंस ऑफ लाइक एवरीबडी इज़ अ स्टोरी टेलर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। एवरीबडी कैन टेल अ स्टोरी। ऑल यू हैव टू डू इज हाउ इंटरेस्टिंग यू मेक इट, हाउ एंगेजिंग यू मेक, लाइक फॉर मी माई ट्विटर, माई इंस्टाग्राम, माई फेसबुक पेज इज़ माई स्टोरी टेलिंग। तो मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत खुराफात है वो मैं इन सब जगहों पर यू नो पूरी करती हूँ। तो द डे आई हैव टू डायरेक्ट आई प्रॉब्ली स्टार्ट विद द शॉर्ट फिल्म, पुट इट आउट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सी रिएक्शंस, बिकॉज वहाँ पर आपको इमिजिएट रिएक्शंस मिलते हैं। उसके बाद आई वुड वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू अ बिगर इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। वाई नॉट, ऑफकोर्स इफ द स्क्रिप्ट इज ग्रेट, if the director is good, I would love to associate myself, and if I have to do something completely radical, I would love to do in short films. I'll let you know. Abhi to Gurgaon hua hai, abhi I'm reading a lot of scripts and I'm really happy about a lot of things which are happening right now, so I'm very happy, very optimistic about my future. Thank you.
हाँ बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं और मियाँ कल आना मैंने काफ़ी पहले एडिट में देखी थी और कई सारी अच्छी फिल्में हैं, बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे नए टैलेंट और बहुत सारा नया काम देखने को मिलेगा। आई एम रियली एक्साइटेड। एक कोई भी एक शॉर्ट फिल्म में किसी भी टैलेंट को एक अपना काम दिखाने का मौका मिलता है और इस तरीके का कोई भी प्रयास उन टैलेंट को आगे लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैंने भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं और ऑल द बेस्ट सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को। लेट्स सी। और मुकेश हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और ये अच्छा है। ना जाने मुकेश अवरा कैसे इतना सारा वक्त निकाल लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट हाँ ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर देयर इज़ एनीथिंग न्यू, चाहे वो एक्टर खोजने की बात हो या किसी भी तरीके से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की बात हो, तो मुकेश को मैं हमेशा मैंने पाया। हाँ डिजिटल तो मतलब मैं खुद ही अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज पहले बहुत कम हम YouTube जानते थे, ठीक है। धीरे 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 अभी ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है घंटे डेढ़ घंटे हर वो हिंदुस्तानी जिसके पास स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे टोटल मिला के एक आध घंटे बिता देता है, कुछ पोस्ट करने में, कुछ देखने में, किसी मित्रों से चैट करने में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में जो हो रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हम कनेक्टेड फील करते हैं। इवन मैं खुद, मेरे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के दोस्त जिन्हें मैं 16-17 साल से नहीं मिल पाया, जिन्हें मैं 16-17 साल से नहीं मिल पाया, तो इन सारे चीज़ों की वजह से मैं मिल सका हूँ। अभी एक नई फिल्म है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी वेट कम करने में लगा हुआ हूँ। थोड़ा और वक्त जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त जाता है तैयारी करने में, तो थोड़ा और वक्त जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी नहीं बोलूँगा। नहीं मैं प्रेशर तो लेता नहीं, जब मैं मेडिकल कॉलेज से आया था यहाँ पे स्ट्रगल करने तो मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रेशर के इंजेक्शन दिए थे, मैंने लिए नहीं। सब ने बोला डॉक्टर बन के कौन ये सब करता है, मैं बोला ये करके देखते हैं, ये नया है, मैं प्रेशर वेशर नहीं लेता। हाँ मैंने जो रास्ता चुना था वो थोड़ा टफ था, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, ये आसान तो नहीं है, लेकिन आप अगर सपने देखते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता बन ही जाता है, आप विश्वास बना के रखिए अपना। कहाँ नहीं है भाई, मैं तो गांव-वांव में जाता हूँ, किसान मतलब ना आप रोटी खाते हैं, हाँ उसको उगाने के लिए पता है कितना वक्त जाता है, पहले खेती करो, ज़मीन को तैयार करो, फिर उसमें रोपाई करो, फिर उसे प्रोटेक्ट करो, फिर उसमें पानी दो, ना ज़्यादा ना कम, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर उसे संभालो, कीड़ों से बचाओ, बारिश से बचाओ, फिर उसे काटो, फिर उसे दाओ, तब जाके एक अन्न मिलता है, कहाँ मेहनत नहीं है। हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लगे रहिए और हिम्मत से बढ़ जाइए। हाँ मुझे पता नहीं मुझे कब कौन सी चीज़ एक्साइट करेगी, मुझे खुद नहीं मालूम। अब मैं प्लान नहीं करता, बहुत प्लान करके आया था इस शहर में तो 17-18 साल लग गए, अब ज़्यादा प्लान नहीं करता, जैसा मैं फील करता हूँ मैं करता हूँ। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है, मुझे लगता है आए दिन कुछ ना कुछ दिख जाता है। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे जो फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं और वो उन्होंने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है। अब जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं फराज अली, उन्हें जब कोई ख़ास
टेक्निकल चीज़ें नहीं पता थी तब उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेहरूनी, और बहुत ही सॉफ्ट और टेक्निकली चीज़ें थी नहीं, दोस्तों ने मिलकर बनाए थे, बट द मैसेज वॉज रियली वेरी पावरफुल. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से बोलती खिड़कियाँ हमेशा जैसे पहले थिएटर के एक्टर्स को डायरेक्टर्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ऑडियंस क्रिएट की, उसी तरीके से इन्होंने एक आगे स्टेप बढ़ाया है फिल्म्स के लिए, फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स को लेके और उनसे फिल्में बनवाई और उसको अभी आज उसका शो उनके शोज़ हो रहे हैं. तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, यंग टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, विच इज़ वंडरफुल. एक्चुअली जी मियाँ का लाना मुझे, मैं तो एक्साइटेड हो चुका, बहुत पहले की फिल्म है और देख चुके, बहुत सारे फेस्टिवल में भी वो गई है, तो अभी ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आएगा उसके लिए. डिजिटल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आप बहुत ही घर घर में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख सकते हैं, जो अपनी मर्जी की फिल्में देख सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिजिटल. ऐसी उसकी तो अभी प्रिपरेशन में हूँ मैं, तो अभी तो बहुत नर्वसनेस है मेरे अंदर, थोड़ा सा टाइम बचा है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा और टाइम मिलेगा मुझे प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरी एक शूटिंग अभी ख़त्म हुई है रिसेंटली, आई थिंक 2-3 दिन पहले ख़त्म हुई है, तो अभी मैं ये अपनी फिल्म की तैयारी में लगा हुआ फिलहाल. थैंक यू. Nupur now, yeah. Nupur. Nupur, yeah. Hold up. Excuse me. Nupur, yeah. Sorry. Nupur, hold up. Ma'am, video. Mukesh, he's always done something different for the entire industry, and the way he has actually formulated this, got respect to this particular department and branch of filmmaking, it's truly commendable. So I'm looking forward to whatever films are playing right now. You talk about the newcomer ke liye bahut acha platform hamesha dete aa rahe hain Mukesh Abla, to aap bhi ek time bahut sahi kya right kya kehna chahte ho, isko kis tarah dekhte hain?
Yeah, you know, like I think everybody knows that the kind of casting Mukesh has been doing for all his films, which is mostly every other film. Unke bina casting hoti nahi hai. तो जिस तरह की कास्टिंग वो करते हैं वो एक्चुअली किरदार को बहुत सूट करता है एंड इफ यू नो सो दैट इज़ हाफ द बैटल वन फॉर द डायरेक्टर एज वेल एंड फॉर द एंटायर टीम एंड ही इज़ गिवन सच ब्यूटीफुल फेसेस एंड सच इमेंसली टैलेंटेड किड्स एंड यू नो यंगस्टर्स एंड सो मेनी न्यू टैलेंट्स सो दैट्स रियली कमेंडेबल आई एम लाइक बेस्ट शॉर्ट फिल्म मेरी फेवरेट शॉर्ट फिल्म तो नहीं कहूँगा पर थ्री स्टोरीज आ रही है अभी और थ्री स्टोरीज में यू नो देर आर लाइक तीन अलग अलग माले की अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ साथ में मिलकर आती हैं सो या आउट ऑफ दैट माय स्टोरी इज़ द फेवरेट वन इन दैट या ये यू नो ऑल्सो द थिंग इज़ कि अब हमारे पास इतने सारे मीडियम्स हैं डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से जिसमें कि यू नो हमारे पास ऑडियंसेस हैं जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है हम पहले वर्ल्ड वाइड से यू नो इधर उधर से उठा उठा के कभी डीवीडीज लेके आते थे कभी सीडीज लेकर आते थे कभी कोई फ्रेंड बाहर से आ रहा है तो ये सीरीज़ की मंगा ली या वो वाला देख लिया ये इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स आ गई एंड there used to be very few people who used to have knowledge about these short films and these international cinema kind of things but now I'm really happy that because of the exposure that we as a country we have got in terms of the digital expansion and the medium because of all this incoming of 4G and 5Gs and the likes of that this has become like really easy for us to be able to showcase our talents and also you know isse zyada अटेंशन इफ अगर आप 15 मिनट में एक शॉर्ट फिल्म के जरिए एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं देन आई थिंक इट्स नॉट इवन एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट इट्स नॉट इवन फीचर फिल्म फॉर्मेट इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट टू होल्ड अटेंशन फॉर दोज 15-20 मिनट्स एंड यू नो एंटरटेन पीपल इन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम सो आई थिंक मैं इसलिए इतना बोल सकता हूँ इस पर क्योंकि मैंने मेरे स्कूल डेज में शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश की थी और वो मैं मुँह के बल गिरा था उसमें So I couldn't do it, and I know how difficult a short film can be. It has to be thoroughly, you know, prepared before they go on the set because budgets also such and everything. And if people like Mukesh Chhabra are coming forward and encouraging these kind of talents and the mediums, then definitely it's gonna go places. Women's Day killing. I would say, yar, firstly, congratulations and happy Women's Day to all the beautiful souls out there. But me, as a guy, I would say that it's a shame that it has come to a point जहाँ पे हमें एक special दिन बनाना पड़ता है किसी को special feel कराने के लिए. Everybody is a human being, and you know, before everything else, we should just start respecting each other as a human being. जी. यार ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए अब किसी को क्योंकि हर Friday पे तीन या चार पिक्चरें तो आ ही रही होती हैं. Unless there's a Salman Khan coming or a Shah Rukh Khan coming or an Aamir Khan coming or Hrithik Roshan coming. So that's the only way you can actually get a solo release. But otherwise, you always have clashes. Yaar. Itni filmen banti hai hamari industry mein aur screens limited hain. So ye ladai to har Friday ko hogi. It's just that I just wish that every film works and it works for the industry. Thank you. All the best. Thank you. देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।